हेलो एवरीवन, अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं इश्तियाक सुरवे मोटर मैकेनिक ट्रेडिंग इंस्ट्रक्टर और आज का हमारा टॉपिक है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट आप लोगों को, बहुत जनों को मालूम होगा प्रोपेलर शाफ्ट क्या है गाड़ी के अंदर। ये ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता है इंजन से ट्रांसफर करने के लिए पावर डिफरेंशियल तक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में, प्रोपेलर शाफ्ट होता क्या है, दिखता कैसा है और उसके साथ में जो कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं वो होते क्या है, उसके जो टाइप्स है वो क्या है, फंक्शन क्या है और प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। आप देखो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है अ शाफ्ट दैट कैरीज स्क्रू प्रोपेलर एट इट्स एंड एंड ट्रांसमिट पावर फ्रॉम इंजन टू प्रोपेलर। अब ये क्या होता है, आप लोगों ने देखे रहोगे हमारे सामने से ट्रक गुजरती है, वो ट्रक के नीचे एक पाइप होता है जो रोटेट होता रहता है हमेशा व्हील से कनेक्ट होके, तो वही जो है, वो जो ट्यूब है, वो जो पाइप है, उसी को प्रोपेलर शाफ्ट बोलते हैं। और वो प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है, जो हमारे इंजन से पावर जनरेट होता है और पावर जनरेट होके गियर बॉक्स में आता है, वही गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक ये प्रोपेलर शाफ्ट ही उसको लेके जाता है। तो ये प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है, ये सेंट्रीफ्यूगली सेंट्राइज्ड होता है इसकी जो है, और ये जो स्पीड इंजन से गियरबॉक्स में आती है यही स्पीड वो डिफरेंशियल तक लेके जाता है। और ये इसके अंदर दो टाइप के प्रोपेलर शाफ्ट हमारे ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर है, जिसमें से एक होता है सिंगल जिसको हम लोग बोलते हैं वन पीस भी, और दूसरा होता है टू पीस। ये दो टाइप के प्रोपेलर शाफ्ट मार्केट में है और ये ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ ये प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं छोटे छोटे जो होने के वजह से ये प्रोपेलर शाफ्ट को वर्क करवाते हैं, क्योंकि कभी इंजन ऊपर की तरफ में होता है, डिफरेंशियल नीचे की तरफ में होता है, तो ये इंजन के तरफ से जो पावर है वो ट्रांसमिट करना है हमको डिफरेंशियल में। अगर वो पावर ट्रांसमिट नहीं होगा तो वो इंजन जो गाड़ी है वो आगे चलेगी नहीं, तो उसको चलने के लिए हमको ये सारे कंपोनेंट्स चाहिए। जैसे कि यू ज्वाइंट हो गया, एक यू ज्वाइंट होता है जो गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर कनेक्ट होता है। फिर होता है ट्यूब, जो हम लोग देखते ही है, एक बड़ा सा ट्यूब होता है जो रोटेट होता रहता है, बड़ा सा पाइप, उसी को ट्यूब बोलते हैं। फिर एक सेंटर बेयरिंग होता है जो वो शाफ्ट को होल्ड करके रखता है। अगर वो शाफ्ट को होल्ड नहीं करेगा तो आपको मालूम है अगर वो ज्यादा फोर्स से घूमेगी तो वो निकल के बाहर चले जाएगी, तो ये सेंटर बेयरिंग वहां पर काम आता है। उसके बाद मिड शाफ्ट होता है, एंड योक होता है, स्लिप योक होता है जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। और इसकी इमेज आप लोगों को यहां दिख रही है, ये होता है हमारा प्रोपेलर शाफ्ट। ये प्रोपेलर शाफ्ट जो है ये हमारे गाड़ी के अंदर कनेक्ट होता है। उसके बाद एंड योक, स्लिप योक, ट्यूब योक और फ्लेंज, ये सारे कंपोनेंट्स होने के बाद ही ये प्रोपेलर शाफ्ट की असेंबली जो है वो पूरी कंप्लीट होती है। और जैसे कि यही प्रोपेलर शाफ्ट हमारे सारे ऑटोमोबाइल के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर रियर डिफरेंशियल गाड़ी के अंदर जिसके अंदर फिक्स होता है। तो ये है प्रोपेलर शाफ्ट। ये प्रोपेलर शाफ्ट जो रियर एक्सल गाड़ी होती है जिसके अंदर पावर पीछे की तरफ ट्रांसमिट होता है, उसमें ये प्रोपेलर शाफ्ट फिक्स किया जाता है और इसी के वजह से फिर हमारी गाड़ी जो है वो आगे की तरफ रोटेट होती है और रिवर्स भी चलती है। यही प्रोपेलर शाफ्ट से पावर जो है क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसमिट होता है हमारे डिफरेंशियल में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू।